नमस्कार, मेरा बिना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अमरावती में आरोपी जियाउल्लाह खान और आरोपी महिला महेश को जेल भेजा गया। अमरावती में दीनी तालीम हासिल करने आई नाबालिग छात्रा के साथ मदरसा में बलात्कार करने के मामले में आरोपी जियाउल्लाह खान व महिला शिक्षिका महेश खान को एनसीआर पर जेल रवाना किया गया है। 15 दिन की कस्टडी के बाद आरोपी जियाउल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं इस मामले में जमानत के लिए अर्जी भी की गई है। नागपुर गेट पुलिस ने बुधवार की दोपहर जिला व सत्र न्यायाधीश एवी कुलकर्णी की अदालत में आरोपी जियाउल्लाह खान व शिक्षिका महेश खान को पेश किया गया। किसी भी जुर्म में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन कस्टडी में लेना आवश्यक होती है। इस प्रकरण में आरोपी जियाउल्लाह खान की 15 दिन की कस्टडी पूरी हो जाने से पुलिस और से एमआरसी मांगा गया है। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं महिला को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट परवेज खान ने महिला शिक्षिका की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। पुलिस से जवाब मांगा गया है कि सुनवाई से पहले कोर्ट परिसर में आरोपी जियाउल्लाह खान के सैकड़ों समर्थक व विरोध इकट्ठा हो गए थे, जिससे पुलिस को अतिरिक्त बल व क्यूआरटी टीम तैनात करनी पड़ी। जैसे ही आरोपी जियाउल्लाह खान को पुलिस वैन से उतारा गया तो वैसे ही सैकड़ों समर्थक व विरोधक और करीबी आ गए। इस वजह से पुलिस को घेरा बनाकर वहां से जाना पड़ा। दूसरी खबर सामने आ रही है अमरावती से ही। नहीं लौटा सकते कर्ज तो करो आत्महत्या। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कलेक्टर पर धमके ग्रामीण। अमरावती में आसमानी और सुल्तानी संकट झेल रहे किसानों समेत ग्रामीणों को निजी फाइनेंस कंपनियों भी वसूली के लिए आत्महत्या से प्रेरित कर रही है। बुधवार को जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा लेकर धमके अमरावती तहसील के आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्टर को ग्रामीण ने बताया कि महिंद्रा रूरल्स फाइनेंस कंपनी कर्ज की रकम नहीं लौटाने पर सीधे आत्महत्या करो, लेकिन कर्ज लौटाने की धमकी तक दे रहे हैं। इस मामले में घरकुल योजना व प्राकृतिक आपदा बनी है कारण। जिला परिषद प्रकाश सांबले के नेतृत्व में सावंगा, देवरा देवरी, नरसिंहपुर, ब्राह्मणवाड़ा, अतोरा, डबरगांव के सैकड़ों किसान जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे थे। जानकारी में पता चला है कि ब्याज पर लगा रहे हैं ब्याज। दो वर्ष तक नियमित कर्ज अदा करने वाले ग्रामीणों को लेकर कंपनी ने भी कुछ नियम बनाने चाहिए, लेकिन फाइनेंस कंपनी ने कर्ज देने से पहले ही मकान भी मॉर्गेज किया है और एक किस्त अदा नहीं करने से उस पर ब्याज लगाया जा रहा है। वही तीसरी खबर सामने आ रही है अमरावती से ही। हिंगासपुरे व जायसवाल को है अधिकार। महापौर उपमहापौर चुनाव में युवा स्वाभिमान पार्टी की भूमिका तय करने के लिए शहर अध्यक्ष हिंगासपुरे व महासचिव जायसवाल को अधिकार बहाल किए गए हैं। पार्टी की कमेटी ने यह निर्णय लिया है, जिसे यह दोनों पार्टी हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह युवा स्वाभिमान के रवि राणा विधायक ने कहा है कि मेरा कदापि इससे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस संदीप लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। साथ ही दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे एमएनएस हिंदी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको दी जाएगी एक फ्री टी शर्ट। तो जल्द ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।